सब्सक्राइब कर दीजिए मोटर ऑक्टेन को और बेल आइकन जरूर दबाइए पाने के लिए लेटेस्ट ऑटोमोटिव न्यूज रिव्यूज सबसे पहले। मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू ऑडी ये हम सब की ड्रीम कार्स में से एक है, एटलीस्ट मैनी, और हम में से काफ़ी लोग एस्पायर करते कि एक दिन हम जाके वो गाड़ी लेंगे। मैं बड़ा होके मर्सिडीज लूँगा या ऑडी लूँगा या बीएमडब्ल्यू लूँगा, ये क्रेज़ काफ़ी लोगों में है एंड इट्स क्लियरली विजिबल। जिस तरीके से लग्जरी कार्स इंडियन मार्केट में बिक रही है उसके बाद लग रहा है कि अब थोड़ी ज़्यादा ईजिली गाड़ियाँ मिल रही है इंडियन मार्केट में, और क्योंकि ये गाड़ियों को 10-15 साल ऑलरेडी हो गए इंडियन मार्केट में आके, जैसे मर्सिडीज़ को 20 साल के ऊपर हो गया है, इट्स सो मच ईजियर टू बाय अ यूज्ड कार टुडे। पर काफ़ी लोग घबराते हैं कि लग्जरी कार यूज्ड नहीं लेनी चाहिए, खर्चा बहुत आएगा, ये वगैरह ऐसा वैसा। तो आज हम समझते हैं बेसिकली कि यूज्ड कार अगर आप ले रहे हैं लग्जरी में तो इज़ इट वर्थ बाइंग इट रियली, या आपको नई कार लेनी चाहिए रेगुलर वाली जैसे होंडा मारुति ह्यूंडई जो भी ब्रांड्स है वो प्राइस पे आते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है और हम देखते हैं आपका खर्चा कितना होगा एट द एंड ऑफ द डे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेरा नाम है रक्षित थिरानी, आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन। ये है BMW X1 जिसमें मैं बैठा हूँ। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यू जनरेशन कार जिसे आके 3 साल भी नहीं हुए मार्केट में पूरे। अब फॉर योर रेफरेंस दिस इज़ दिसंबर 2018 अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं, और ये गाड़ी ड्रिवन ओनली 27,000 किलोमीटर्स। नॉर्मली इसकी प्राइस है समवेयर 45-48 लाख रुपीज़, ये मिल रही है आपको फॉर 29 लाख रुपीज़। तो ये फुली लोडेड कार है, सनरूफ है इसको, पैनोरामिक, ऑटोमेटिक, पैडल शिफ्टर्स, सब कुछ है इस गाड़ी में। एंड एट द सेम टाइम इसका जो पैकेज आता है बम्पर टू बम्पर पैकेज आता है कंपनी का वारंटी का, वो भी वैलिड है टिल 2021। तो अब अगर आप 29 लाख रुपीज़ में गाड़ी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगी ह्यूंडई टूसॉन, आपको मिलेगी जीप कंपस, और उनमें शायद सारे फीचर्स भी ना हो जो ये ऑफर करी है, प्लस द बीएमडब्ल्यू बैज। कार एकदम क्लीन है, आई कांट स्पॉट एनीथिंग। और आपको हमेशा अगर कभी डाउट लगता है यू शुड गो एंड चेक द सर्विस हिस्ट्री ऑफ द कार, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब ये गाड़ी को पीछे भी सीट पे स्क्रीन दिया हुआ है, सो देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो इस गाड़ी में एक्स्ट्रा दी हुई है विच नॉर्मली गोज मिसिंग। अब वैसे ही मैं अगर आपको दूसरी गाड़ी में ले जाऊँ तो, और अब मैं आ गया हूँ इंडिया की बेस्ट सेलिंग मर्सिडीज बेंज के अंदर ई क्लास। कंफर्टेबल गाड़ी है, ओल्ड जनरेशन है, लेकिन जो प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है दैट्स इनक्रेडिबल। प्राइस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ क्या है इस गाड़ी में। E250 CDI डीजल है ऑफकोर्स, स्पेशियस इन टर्म्स ऑफ नी रूम हेडरूम, द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स। तो मर्सिडीज बेंज जानी जाती है अपनी मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स के लिए, और ई क्लास उसकी अल्टीमेट चॉइस है। ऑफकोर्स एस इज़ द टॉप, पर ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया इन टर्म्स ऑफ स्पेस, कंफर्ट, और मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट चॉइस टू पिक। इसमें क्या आता है, आपको सनरूफ है, लगभग 200 BHP का डीजल इंजन है, द पावर इज़ गुड, पैडल शिफ्टर्स है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों फ्रंट सीट्स है, और पीछे के पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छा कंफर्ट है, सनरूफ है, द कार इज पिक एंड स्पैन, क्लीन है एंड वेल लोडेड है। अब ये गाड़ी 2013 का मॉडल है, यानी कि 5 साल पुरानी है, 40,000 चली हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर्स ड्रिवन, और साथ में इसकी प्राइस इज़ अंडर 25 लाख। Isn't this a great package to look at? मेरे हिसाब से it's a excellent package to buy. आपको काफ़ी कुछ मिलता है ये सेगमेंट में जो आप ये प्राइस देख लीजिए, 25 लाख मान लीजिए इसकी प्राइस है। आप सेडान लेना चाहते हैं जहाँ आप पीछे बैठेंगे, आपको क्या ऑप्शन आएंगे? आपको ऑप्शन आएंगे ऑक्टाविया, वो भी टॉप मॉडल नहीं, आपको ऑप्शन आएंगे
सुपर्ब तो भूल जाइए, इट्स मोर हायर इन प्राइसिंग. तो आपके पास ऑक्टाविया एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है इन दिस प्राइस दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ. उसके अलावा और कुछ नहीं है दैट कैन कम्पीट विद दिस कार. तो 25 लाख में व्हाट्स बैड इन अ प्रोडक्ट लाइक दिस. अब चलते हैं टू द थर्ड कार विच इज़ अनदर सरप्राइज. अब आ गए हम द मोस्ट स्पेशियस एंड कम्फर्टेबल कार. अगर आप पीछे बैठने वाले हों और आप गाड़ी चलाने नहीं वाले हो और आपको एक स्टेटस सिंबल कार चाहिए, देन व्हाट्स बेटर देन दिस जैग XJL. जी हाँ, ये गाड़ी भी यूज कार में अवेलेबल है. स्पिक एंड स्पैन क्लीन कार, ठीक है. और मैं नहीं कहता हूँ कि हर गाड़ी स्पिक एंड स्पैन होती है, पर इंस्पेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा. आज हम जो आपको बताने वाले हैं इज बेसिकली शुड यू बाय अ यूज्ड लग्जरी कार और नो. तो अब हमने आपको ऑलरेडी दिखाया है BMW, Mercedes, तीसरा दिखा रहे हैं जैग. अभी ये गाड़ी देखिए, वेल लोडेड फीचर्स, क्वालिटी अभी भी बरकरार है, स्क्रीन है गाड़ी को एंड इट फील्स नाइस एंड कंफर्टेबल. 2011 का मॉडल है, नॉट ड्रिवन अ लॉट एंड एट द सेम टाइम ऐसे ही लग रहा है कि अभी भी ब्रांड न्यू गाड़ी है. तो आखिर में क्या आपको ये गाड़ी देखनी चाहिए या नहीं? इसकी कीमत इस 36 लाख रुपीज़. 2011 मॉडल है, 7 साल हो गया इसको, बट 36 लाख में आपको एक फॉर्चुनर टॉप एंड मिनी आता है एंड यू आर गेटिंग अ जैग. अब सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आपको न्यू लग्जरी कार लेनी है और जब आप उसको बेचने जाते हैं तब क्या होता है. मान लीजिए आपने 100 रुपये की लग्जरी कार खरीदी, उस पर आपने 70 रुपया लोन लिया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. नॉर्मली डेप्रिसिएशन इज नॉट वेरी हाई ऑन नॉर्मल कार्स, पर लग्जरी कार्स में बहुत क्विकली गाड़ियों का प्राइस डेप्रिशिएट होता है. इसके कारण तो अगर आपने 100 रुपये पे 70 रुपये का लोन लिया है, 70% लोन लिया है, जब आप 1.5 साल बाद बेचने जाओगे ना तो आपको 50-60% का ही रीसेल मिलेगा. इसका मतलब ये होता है कि आपने 70% या 70 रुपये का जो लोन लिया है वो भी आप जब बेचने जाते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा अपने जेब से पैसे डालने पड़ेंगे जब आप उसे मार्केट में बेचोगे. तो ये एक डाउनसाइड है ऑफ बाइंग अ न्यू लग्जरी कार. अगर आप 1-1.5 साल में गाड़ी बेच रहे हो, अगर आप गाड़ी 5-7 साल चलाते हो देन इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. अब सेकेंड पार्ट, लग्जरी कार जो है यूज का मार्केट में जो मिलती है क्या आपको उससे वो देखना चाहिए नहीं. मेरे हिसाब से सारे ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए और कोई कोई मॉडल्स जो क्लीन रहते हैं, जैसे वो BMW थी X1, 2021 तक उसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस वैलिड है. 29 लाख रुपीज़ में आपको मिलेगी विथ अ लॉट ऑफ फीचर्स, साथ में पावरफुल इंजन एंड द BMW बैज. तो मेरे हिसाब से दैट वॉज अ ग्रेट प्रोडक्ट टू लुक एट एंड कंसिडर. अब आपकी मर्जी, अगर आपका बजट कम है एंड यू वॉन्ट अ बिगर कार देन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. पर मेन सवाल जो उठता है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हाई होता है कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल का. तो आंसर इसका बहुत सिंपल है, अगर आप ले रहे हैं एक यूज्ड कार खास करके लग्जरी में, तो एक चीज क्लियर कर लो कि अगर आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है या 20 लाख रुपीज की कार ली है, एक सर्टेन परसेंटेज आपको असाइड करके रखना पड़ता है और वो होता है समवेयर बिटवीन 8-12%. यानी कि अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए आपको असाइड रखने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स का टोटल एक्सपेंस. क्योंकि आप जो लेवल पे गाड़ी ले रहे हैं उससे आपको एक स्टेटस सिंबल मिल रहा है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो उस पर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना और 10% एक्स्ट्रा देना, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल. इस वजह से हम चलते हैं मिलने टू समबडी हु डज ऑल दीज यूज कार बिजनेस और उनसे पूछते हैं कि आखिर में इज इट वर्थ बाइंग अ यूज लग्जरी कार या न्यू कार लेना ही बेटर है. तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी आपको बताया अबाउट लग्जरी कार्स एंड जॉइनिंग मी इज दर्शन फ्रॉम ब्रोकर दलाल. इनके वेबसाइट का नाम है brokerdalal.com, वहाँ पर जाके आप प्री ओन्ड कार्स के बारे में जान सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दर्शन, लग्जरी कार्स क्या वाकई में एक्सपेंसिव है टू मेंटेन इन शोरूम्स? अगर आप मुझे पूछो तो हमें भेजनी चाहिए गाड़ी ऑथराइज वर्क स्टेशन में ही. स्टार्टिंग के पहले 3 या 4 साल तक आप भेजते हो तो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और मेजर एक्सपेंडिचर्स नहीं आते हैं.
बट अगर आप उसे बाहर वर्कशॉप में भेजना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ और किन के पास भेज रहे हो। अगर वो अच्छे वर्कशॉप्स है, और हाँ इंडिया में या बॉम्बे में या कहीं पे भी अच्छे वर्कशॉप्स हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप उनके पास भेज सकते हैं जो रिलेटिवली काफ़ी चीपर कॉस्ट में आपकी गाड़ी मेंटेन करा सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि लग्जरी कार्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव टू मेंटेन, शोरूम में ही जाना चाहिए। आई गेट दैट, पर क्या लग्जरी कार्स में वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब आपने ले लिया और अगले दिन इट जस्ट फेल्ड, इट जस्ट क्रैश्ड या चल ही नहीं रही है? अगर आपने रॉन्ग गाड़ी खरीदी है तो डेफिनेटली उसे ठीक करने का कोई एंड ही नहीं है। बट यदि आपने एक अच्छे डीलर से या एक नोन आदमी से या कंपनी में चेक करा के अगर गाड़ी ली है तो ड्रास्टिकली कुछ रॉन्ग नहीं जा सकता है। छोटी मोटी चीज़ें आप कोई भी गाड़ी चलाओगे उसमें जा सकती है, विच इज़ वेरी इजी टू मेंटेन इट। ड्रास्टिकली रॉन्ग अगर आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट को अगर हुई है या वो फ्लड हुई है गाड़ी जिसमें इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ आ गए हैं, देन दोज बिकम्स कम्प्लीटली अनसॉल्वेबल। बट नॉर्मली ये ज़्यादा करके कोई ड्रास्टिक रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो इट क्लियरली शोज के लग्जरी कार्स आर सो मच अफोर्डेबल एट द एंड ऑफ द डे। मतलब आपको एक आई थिंक अबाउट 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है इन अ स्पैन ऑफ 2 years जो आपका बाइंग कॉस्ट है, तो यू कैन सेव दैट एक्स्ट्रा। और जो आप कार ले रहे हो इल बी प्रेस्टीजियस, लग्जूरियस एंड फीचर रिच। तो आखिर में मेन सवाल ये, क्या आपको यूज्ड लग्जरी कार लेनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से अ कंप्लीट यस, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट पे आपको गाड़ी मिल रही है विद द फीचर्स, विद द ब्रांड नेम, मेरे हिसाब से दैट्स अ गुड चॉइस। लेकिन अगर आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा दे रहे हैं और यू आर नॉट वेरी ब्रांड फोकस्ड, तो फिर आप कोई नॉर्मल सी कार ले लीजिए, न्यू कार, यू विल बी वेरी हैप्पी विथ इट। पर यूज्ड लग्जरी कार लेने के फ़ायदे भी अपने ही हैं कि आपको एक ब्रांड नेम मिलता है, प्लस दूसरे लोग भी कहते हैं, नोटिस कर सकते हैं आपको, एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। अब देखिए, यूज़ का मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, कोई अच्छी है कोई ख़राब है, ये चीज़ आपको छांट के लेनी है। आपको सर्विस हिस्ट्री देखना चाहिए कार का, आपको डीलरशिप पे ट्रस्ट है या नहीं, वो सब चीज़ें इवेल्यूएट करके ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। लेकिन यूज़ कार में लग्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन, और आपको काफ़ी सारी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी इन द मार्केट। तो मेरे हिसाब से हमेशा आंखें खुली रखिए एंड चेक देम आउट ऑलवेज। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। सी यू टुमॉरो।